तारीख का एक जरी बाप भी है। हम हर साल इस तारीख के दिन को क्यों मनाते हैं? एंड ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। يستبشرون بنعمة Air Vice Marshal, Base Commander, Officers, Dignitaries, Families of Shuhada Families, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum. सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से इस अजीम दिन के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो और हमारी नेक दुआएँ उन सब के लिए जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के आज इस दिन को हमेशा के लिए हमारे लिए एक मेमोरेबल दिन बनाया है। इट्स ऑलवेज द ऑनर इज ऑलवेज टू बी अ गेस्ट ओवर हियर एंड स्पेशली द लास्ट टाइम आई हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग ऑन द सेम डेट ओवर हियर एंड आई फील द प्रिविलेज अगेन एंड आई रियली फील quite emotional on this day when I come over here, which reminds of maybe the past history and the moments which the people of Pakistan, especially the forces and the armed forces and especially the air force, had sacrificed their lives for Pakistan. Alhamdulillah, Allah Taala ne is mulk ko ek kehte hain ki ajeeb mitti se banaya hai aur iske andar इसके लोग, इसके इलाके और इसकी इमोशनैलिटी ऐसी है जिसको अभी तक शायद प्रॉपरली लोग जज नहीं कर पाए। एंड वेन एवर पीपल थिंक एंड आई वुड से वेन एवर द पीपल हु आर आउटसाइड द एनिमीज दैट वी हैव दे ऑलवेज ट्राई टू प्लान एंड थिंक दैट पाकिस्तान शायद अब उस डीमोरलाइज स्टेट में आ गया है और पाकिस्तानी कौम शायद अभी एक ऐसे मोड़ पे है कि यहाँ इन पर अगर हम हमला करें या इनको मजीद पीछे करें तो दिस नेशन विल नॉट स्टैंड एट वन पॉइंट। पर अल्लाह ताला ने जो एक कुव्वत इस कौम में रखी है, शायद इसके पानी में होगा, शायद इसकी हवा में है, इसकी फिजा में है, इसके फसलों में है, या कुदरती तौर पर इसके DNA में शायद इनबिल्ट है कि इट रिवाइव्स बैक, इट कम्स बैक एंड इट कम्स बैक विद मोर इंटेंसिटी। एंड वी ऑलवेज थिंक कि शायद ये इंटेंसिटी को हम कम देखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलवेज सीन इट विद वो मोर एनर्जी एंड वी हैव सीन द इंटेंशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान गेटिंग मोर हाई। और एक बहुत बड़ी मेहरबानी शायद कुदरत की अपनी तरफ से भी हमेशा होती है कि वो किसी न भी किसी हवाले से कोई ना कोई ऐसा मौका हमें देती है और हिस्ट्री में हमें एक ऐसा नाम दे देती है कि जो इस कौम को फिर से फख्रिया तौर पे ऊंचा करती है। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट, सैल्यूट एंड गिव माय ऑनर टू पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर रियली डूइंग दैट इन फरवरी 2019। इट वाज एन अमेजिंग थिंग एंड यू हैव रियली लिफ्टेड अप द ओवरऑल मोरल, द ओवरऑल इमेज एंड रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली विद इन पाकिस्तानीज बट इन द ग्लोब। And that is something which is beyond one could even imagine of. और मैंने खुद एक experience देखा कि after that event, people started, and especially not people of Pakistan, people from abroad started seeing Pakistan with a different respected way. शायद वह underestimate कर रहे थे कि पाकिस्तान की capacity, पाकिस्तान के लोगों की capacity. It's not basically yes, like. It's always said it's the man behind the gun at times, it's the gun itself, but it's both. But more or less, it's the emotion, it's the human, which really puts something into place and gives a success. And in that case, I think so. The Air Force really uplifted us, and we are thankful to you as a nation. We are thankful to all the officers. And especially the people who are in this overall war zone game or in this event, giving Pakistanis the morale that they needed. Once again, I think so. History अपने को किसी न किसी हवाले से repeat करती है.
और हालिया माहौल में भी शायद हम ये देख रहे हैं कि उस टाइप का एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान के इर्द-गिर्द क्रिएट किया जा रहा है जहां वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से हम इमोशनली या इंटरनेशनली या किसी भी हवाले से बहुत पीछे रखें। और कश्मीर इवेंट बेसिकली इज वन दैट इवेंट विच हैज़ कम इनटू अ वेरी डिफरेंट वे, और उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत माजी की पुरानी हिस्ट्री ने एक कभी कभी लाइक आई सेड के कुदरत के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम समझ नहीं सकते। पार्टीशन से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा ये महसूस करते थे कि डू वी रियली नीड अ पार्टीशन, लाइक क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, क्या हम एक ऐसे माशरे में नहीं रह रहे थे कि जहां पहले भी एक ही नेशन था और सब एक साथ रहते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके तहफ़ुज़ात और जिनके ख्यालात आज शायद 100% ऐसे ख्यालातों को उनका जवाब मिला होगा। आज हम एग्जैक्टली इंडिया का वो एक रूप देख रहे हैं जो शायद हमें या हमारे कुछ ऐसे भूले हुए दोस्तों को माजी में 70 साल पहले नजर नहीं आया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियंस टू मेक इंडिया व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इट टुडे। दे ऑलवेज थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस आइडियोलॉजी बट नेवर गॉट द राइट चांस, बट टुडे आरएसएस एंड द बीजेपी गवर्नमेंट whatever things they are up to doing in India is beyond imagination. It's not only just a political thing which they are doing, it's totally changing a race, bringing a racism into their country. Main to bahut sare logon ko kehta hu kyunki hamare culture mein bhi hamare Pakistan mein bhi bahut sare Hindu hain. It's not about Hinduism anymore, it's about a very specific mindset which they are trying to bring in, जिसमें वो अपनी पूरी सोसाइटी में ये फील करवाना चाहते हैं कि अगर आप अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो यू हैव टू अबाइड बाय ऑल दीज वैल्यूज विच दे थिंक आर देयर वैल्यूज, द प्रैक्टिसेस विच दे थिंक शुड बी द प्रैक्टिसेस, द रिलीजन विच दे फील शुड बी द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। और वहां ना सिर्फ मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग हो रही है बल्कि बहुत सारे माइनॉरिटीज जो हिंदुस्तान में भी हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। एंड दिस आई गेस वॉज वेरी नेसेसरी फॉर सच ए गवर्नमेंट टू बी शोन टू द ग्लोब कि हम जो इतने सालों से बार बार हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहे थे ये सिर्फ कोई मिथ या कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक हकीकत है। और वो हकीकत आज ह्यूमन राइट्स की सूरत में नजर आ रही है, वो हकीकत आज एक ऐसे माहौल के अंदर इंडिया में नजर आ रही है जिसको दुनिया देख भी रही है और मजबूर होकर उसके हवाले से बात कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि कभी कभी वक्त हालात कुदरत के ऐसे फैसले होते हैं जो अपने चीजों को अपने अंदाज में सामने लाती है।